अगर बहुत समय से पेट में गैस आपके रहता है और उस गैस से आप परेशान रहते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कम समय में आप इस समस्या से निजात पाएंगे। गैस की समस्या आपकी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जो खाली पेट आप दवा खाते थे वो भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लंबे समय से गैस की दवाइयां खा रहे हैं या ये सारी चीजें खा रहे हैं, तो आपको इसकी कभी दिक्कत नहीं होगी। करना क्या है, आपको सिर्फ लहसुन का उबला हुआ पानी पीना है और साथ में लहसुन खाना है। अब कैसे करना है इस विधि को जरा समझ लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार जो बागभट्ट जी कहते हैं कि भाई देखो, अगर पेट में गैस बन रहा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक काम करो कि सुबह जैसे ही आप उठो तो उठने के साथ साथ आप कम से कम 1 से 2 गिलास पानी आप गर्म करने के लिए रख दो। गर्म करने के लिए रख दो और रखने के बाद से उस पानी के अंदर कम से कम 5-7 लहसुन की कलियां आप छील कर डाल दीजिए। ठीक है, पानी को बॉयल आने दीजिए। पानी जैसे बॉयल आ जाता है, जब तक पानी बॉयल करता है तब तक आप नंगे पांव टहलिए। आप वहीं पे आप अपने घर में टहल सकते हैं जब तक पानी बॉयल होता है। 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में पानी बॉयल हो जाएगा और उसमें लहसुन का अर्क मिल जाएगा और लहसुन पक भी जाएगा। तो आपको क्या करना है कि उतने देर तक नंगे पांव आपको टहलना है और जैसे पक जाए तो उसे आप क्या करिए, उसे पानी को ठंडा कर लीजिए, हल्का ठंडा, बहुत गर्म आप पी नहीं पाएंगे क्योंकि पानी खौला हुआ है। तो उसे जो है थोड़ी 5 मिनट उसे ठंडा करिए। जब वो ठंडा हो जाता है उसमें हल्का सा आप काला नमक डालें और हल्का सा नींबू का रस निचोड़ दें। अब देखिए, काला नमक डालेंगे तो नमक में क्या होता है, सोडियम और क्लोरीन होता है, और थोड़ा सा नींबू डालेंगे तो उसमें साइट्रिक एसिड चला जाएगा। ये भी काफी जो है फायदा पहुंचाता है सफाई के लिए, पेट के लिए आपकी। तो जैसे इसको डाल देंगे, थोड़ा दो दो बूंद डाल दीजिए नींबू का, 2-4 बूंद आप उसमें रस निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा नमक डाल लीजिए और वह पानी पीजिए। वह 1 गिलास पानी आप पी सकते हैं, 2 गिलास पानी, अगर 1 गिलास पीने की क्षमता है तो 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पी सकते हैं तो और अच्छी बात है, 2 गिलास पानी पीजिए। लेकिन शर्त यही होगा कि आपका पेट खाली होना चाहिए और उसी के साथ साथ वो जितने भी लहसुन है उस लहसुन को आप खा जाइए। इसके बाद से आप जो आप जाएंगे, आपका प्रेशर बनेगा, फिर आप जाइए फ्रेश वगैरह हो जाइए, फिर जो टहलना है या फिर वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है वो करिए। आप इस तरह से जैसे ही आप अपने दिनचर्या को स्टार्ट करेंगे, आप उसी दिन से आप नजर महसूस करेंगे, आप में फर्क महसूस होगा कि आप पहले से बेहतर हैं, गैस की समस्या धीरे धीरे समाप्त होती हुई नजर आएगी। और फिर देखिए, इसके साथ होगा क्या, गैस की समस्या भी समाप्त होगी, पेट की सफाई भी होगी, जो भी इस पेट की प्रॉब्लम थी, पेट की गंदगी, वो सारी चीजें निकलेंगी। क्योंकि गर्म पानी आपके आंत के लिए भी बेहतर होता है और उसके साथ साथ लहसुन, उसके बाद साइट्रिक एसिड जो होता है उसमें विटामिन सी होता है आपके नींबू में और साथ में लहसुन में, तो कितने औषधीय गुण होते हैं ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको बखूबी मालूम है। तो अगर इस तरह से आप प्रयोग करते हैं तो आप हमेशा निरोग बने रहेंगे, पेट की समस्या से हमेशा वंचित रहेंगे। एक बार जरूर करें, अगर आप दवाइयां खाते खाते थक चुके हैं तो एक बार इस प्रयोग को जरूर करें।